नेक्स्ट क्वेश्चन में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन है और आपको जर्नल बनाना है, हर एक अकाउंट का लेजर बनानी है और इसके बाद हर लेजर का बैलेंस को लेकर ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन, क्योंकि पहले लाइन में तो है नहीं, 2018 अप्रैल 1 में लिखा है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो ये जो डेट कॉलम में ईयर लिखो 2018, मैंने 2017 कर दिया, बाकी जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, डेबिट क्रेडिट कॉलम में रूपी फराडियन का सिंबल लिखो, इसको 2018 करो। सबसे पहला जर्नल है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मैंने देखो 2018 बना लिया अप्रैल 1, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया मोहन ने। तो कैश एक एसेट है जो कि बढ़ गया। मैं पूरा मॉडर्न मेथड में सारे बताऊंगा आपको, जर्नल का जो फॉर्मूला बताऊंगा मॉडर्न मेथड का बताऊंगा। मॉडर्न मेथड ज्यादा यूज होता है और वो ज्यादा बेटर लॉजिक में चलता है, और ट्रेडिशनल मेथड का लॉजिक भी ठीक था, बट मॉडर्न इज ऑलवेज मॉडर्न। कैश एक एसेट है और मिस्टर मोहन अपने दुकान के अंदर लेकर आ रहे हैं, दुकान में एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख और उधार भी बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, ओनर का इक्विटी, ओनर्स इक्विटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड 1 लाख। बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश विल बी द नरेशन, और एक खाली कैपिटल की जगह पे हम लिख सकते थे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये पहला जर्नल हो गया। दूसरा होता है बट गुड्स, गुड्स खरीदा, स्टॉक खरीदा, बट गुड्स, गुड्स खरीदा। तो हमारे पास परचेजेस बढ़ गया, परचेजेस हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। तो उसके बाद क्या होता है ना, परचेजेस बढ़ गया, परचेजेस बढ़ गया मतलब इंक्रीज इन परचेजेस इज डेबिटेड, बट गुड्स 5000, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 5000, और कैश घट गया, खर्चा बढ़ गया तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और कैश होता है हमारा असेट, हमने कैश दिया, तो कैश बिजनेस के बाहर गया और दुकान में डिक्रीज हो गया, हमारा ऑफिस में कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, बींग बॉट गुड्स फॉर कैश विल बी द नरेशन। तो 3 तारीख के बाद 4 तारीख, बॉट गुड्स सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को हमने गुड्स बेचा, जिसको गुड्स हम उधार पे बेचते हैं वो हमारा एसेट होता है, तो गोपाल डेबिटेड, डेटर गोपाल हमारा डेटर हो गया, डेटर हमारा एसेट हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, गोपाल डेबिटेड 4000, अप्रैल 4 गोपाल डेबिटेड 4000। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, टू सेल्स 4000। नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट गोपाल, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गोपाल 4000। देन 10 तारीख को होगा बॉट गुड्स फ्रॉम राम, हमने खरीदा, खर्चा बढ़ गया तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, बट अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 8000, और उधार में खरीदा, उधार में खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू राम 8000। नरेशन होगा बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, अप्रैल 10 तारीख के बाद पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, हमने खर्चा पे किया, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और राम हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर और इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, तो नरेशन लिख देंगे, नरेशन में उसी लाइन को उतार देंगे, बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, वो हमेशा बेटर रहता है, अपना कुछ अंडू पंडू नरेशन लिखेंगे तो होगा ही नहीं,
उन्हीं का नरेशन को हम लिख देंगे। देन अप्रैल 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल डिस्काउंट अलाउड। हम गोपाल से कैश रिसीव किया, कैश एसेट है। ये एंटायर क्वेश्चन में मॉडर्न मेथड में कर रहा हूं। इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 3950। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने बता दिया होगा, मेरे को लग रहा है बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। अप्रैल 15 ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 2000। और कैश पे कर रहे हैं हम तो कैश डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट 2000। नरेशन होगा बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल डिस्काउंट अलाउड। रिसीव्ड कैश, हमने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड 3950। रिसीव्ड कैश, कैश बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड 3950। और हमारा खर्चा भी बढ़ गया, हमने उस 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिए उनको, अलाउड देम डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 50, और यू कैन से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू गोपाल। गोपाल हमारा डेटर था, पैसे दिया, डेटर घट गया, डेटर एसेट होता है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड दैट इज टू गोपाल 4000। और नरेशन होगा बीइंग रिसीव्ड कैश एंड अलाउड डिस्काउंट टू गोपाल। अप्रैल 20 के बाद अप्रैल 25 पेड वेजेस, हमने वेजेस मजदूरी, मजदूरों को मजदूरी दिया तो मजदूरी इज वेजेस। वेजेस हमारा खर्चा होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड 700। हमने दिया क्या, कैश, कैश घट गया, कैश एसेट होता है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 700। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड। अप्रैल 25 के बाद अप्रैल 27 पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 7700। पेड टू राम, राम को हमने पैसे दिए, राम डेबिटेड, राम डेबिटेड फुल सेटलमेंट में दिए। तो राम का टोटल हिसाब लगा लो कितने लिया था, 8000। तो राम डेबिटेड 8000, राम हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर को हम पैसे दे रहे हैं, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड 8000। पैसे कितने दिया, कैश कितने कम हो गया, एसेट कितने कम हो गया, टू कैश 7700 और बाकी टू डिस्काउंट अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3000, क्योंकि हमारा कमाई हो गया, इन रेवेन्यू इनकम है 300, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। नरेशन होगा बीइंग पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। अप्रैल 27 के बाद अप्रैल 30 पेड रेंट 1500। रेंट एक खर्चा होता है तो खर्चा डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, रेंट डेबिटेड 1500। अप्रैल 30 इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड 1500 और डिक्रीज इन एसेट यानी कैश जा रहा है बिजनेस से, किसी को हम पे कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। इसके बाद जर्नल को ना टोटल करते हैं, जर्नल को टोटल करते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों कॉलम को, और लिखते हैं टोटल 133200 ईच साइड, ईच कॉलम। ये जर्नल हो जाने के बाद हम हर एक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। अब पहले तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले स्टार्टेड क्या बिजनेस, कैश पहले, तो सबसे पहले कैश लेजर बनाओ और कैपिटल लेजर बनाओ, कैश टू कैपिटल बेटर होगा कैश बनाते, बट फिलहाल मैंने कैपिटल बना दिया, बट पहले मेरे को कैश बनाना चाहिए अच्छाई के लिए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये बनाओ। तो जर्नल था कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर वाला फॉर्मेट बना दो, आपको पता है, और कैश डेबिट है तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश। अप्रैल 1 को बाय कैश 1 लाख, और कैपिटल का कोई भी जर्नल एंट्री
इसके अंदर है नहीं, तो इसको टोटल करो 1 लाख को क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे बाय कैश 1 लाख और हम कैपिटल को टोटल कर देंगे। कैपिटल को टोटल करके, क्योंकि कैपिटल का और कोई एंट्री है ही नहीं, तो हम कैश को हम कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 1 लाख, उसको डेबिट साइड में उतारेंगे और डेबिट साइड में अप्रैल 30 तारीख को एंड ऑफ द मंथ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन 1 लाख, और इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे मे वन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। तो कैपिटल अकाउंट फिनिश हो गया, नेक्स्ट वन इज योर कैश अकाउंट। बट मेरे हिसाब से पहले कैश, देन कैपिटल, देन परचेजेस, देन राम, ऐसे चलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको सेकंड ऑर्डर में ना लेके इसको फर्स्ट ऑर्डर में ले लेना। कैश का पहला जर्नल एंट्री अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो लेजर फॉर्मेट बनाने के बाद डेबिट साइड में आप लिखिए टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑन अप्रैल 1 1 लाख अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट कैश का एंट्री ढूंढिए, दैट इज परचेजेस टू कैश। तो कैश अकाउंट में लिखिए क्रेडिट साइड में अप्रैल 3 तारीख को बाय परचेजेस अकाउंट 5000, हो गया। नेक्स्ट कैश का एंट्री है आपके अप्रैल 15 को ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश लेजर में लिखिए बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट अप्रैल 15 डेट कॉलम में, अमाउंट कॉलम में 2000 लिख दीजिए, हो गया। नेक्स्ट कैश का जर्नल एंट्री है आपके अप्रैल 20 पेड टू गोपाल इन रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल इन फुल सेटलमेंट। तो कैश टू गोपाल, डिस्काउंट टू गोपाल, तो खाली कैश में कैश पोर्शन लिखिए टू गोपाल 3950 नॉट 4000। कैश में खाली कैश पोर्शन लिखिए अप्रैल 20 तारीख लिखिए डेट कॉलम में, गोपाल में प्लीज राइट डाउन पर्टिकुलर्स में टू गोपाल और अमाउंट कॉलम में 3950, और डिस्काउंट कॉलम अकाउंट में लिखिए टू गोपाल 50। तो डिस्काउंट अकाउंट अभी बनाया नहीं है, बाद में बनाएंगे, बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट कैश का जर्नल एंट्री है अप्रैल पेड वेजेस इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पेड वेजेस इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो वेजेस एक खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड वेजेस अकाउंट डेबिटेड 700 अप्रैल 25 तारीख को टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में लिख दिया 700। नेक्स्ट इज योर अनपेड टू राम बाय कैश एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट पर्सन छोड़ो, राम डेबिटेड टू कैश 8000 से खाली 7300 लिखो, कैश में बाय राम, पेड टू राम इन कैश, तो राम डेबिटेड टू कैश, तो कैश अकाउंट में लिखो बाय राम 7700 ऑन अप्रैल 27 बाय राम, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 7700। नेक्स्ट वन इज अप्रैल 30 रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में लिखो अल्टरनेटिव एंट्री बाय रेंट अकाउंट 1500, बाय रेंट अकाउंट 1500। योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, कैश का सारे हमने छांट लिया, बढ़िया। हम सारे इकट्ठे सारे लेजर खोल के कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले कैश बना लेंगे, पहले कैपिटल, देन कैपिटल बना लेंगे, देन परचेजेस बना लेंगे, ऐसे करके एक एक करके बनाते चले जाएंगे। तो हमारा कैश का सारे पोस्टिंग हो गया। अभी डेबिट साइड देखो, ये 1,03,950 बन रहा है डेबिट टोटलिंग, डेबिट टोटलिंग में 1,03,950 इसको क्रेडिट साइड में उतारो, क्रेडिट साइड में जितने सारे क्रेडिट अमाउंट से पांचों उसको टोटल करके 1,03,950 से माइनस करो, आएगा बैलेंस कैरेड डाउन एंड ऑफ दिस मंथ अप्रैल 30 बैलेंस कैरेड डाउन 87,050, और डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,050। ये दोनों चला गया, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, कैपिटल वाज द क्रेडिट बैलेंस एंड कैश इज ए डेबिट बैलेंस।
ये लेजर कंप्लीट हो गया। दूसरा, अभी तीसरा पर्ची जैसा आप ढूंढो, पहला कैश बनना था, आप सेकेंड ऑर्डर में बनाया उसको पहले बना दो, देन कैपिटल बना दो और बन भी गया। अभी तीसरा देखो, सेकेंड एंट्री में तीसरा पर्ची जैसा अकाउंट, लेजर का फॉर्मेट रेडी, जर्नल एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अप्रैल 3 तारीख को। तो परचेज लेजर में लिखो अप्रैल 3 तारीख को डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 5000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, जर्नल तो आपने पास कर लिया, 3 तारीख के बाद ढूंढो नेक्स्ट परचेजेस कब है। इट इज ऑन अप्रैल 10 परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 8000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 8000। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में अप्रैल 10 को लिखो टू राम 8000, और परचेज का डेबिट कॉलम को टोटल करो 8513000, टोटलिंग 13000। 13000 को क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर करो, 13000 आ गया। और क्रेडिट साइड में लिखो By balance carried down on April 30, this is the balancing figure, क्योंकि जीरो माइनस करेंगे, कुछ तो है नहीं क्रेडिट कॉलम में, तो 13000 ही आएगा। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, परचेजेस हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, तो हमारा डेबिट बैलेंस आया 13000। इसको May 1 को डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13000, एंड दिस इज फिनिश्ड। परचेजेस अकाउंट के बाद नेक्स्ट है आपके गोपाल, गोपाल इज ए क्रेडिटर, तो उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो ही तो गोपाल अकाउंट में सबसे पहला एंट्री है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल इज आर डेटर, जिसको उधार में हमने गुड्स बेचा, हमने गोपाल को 4000 का गुड्स बेचा, तो गोपाल अकाउंट डेबिटेड 4000। टू सेल्स अकाउंट डेबिट साइड में अप्रैल 4 में टू सेल्स अकाउंट 4000, तो गोपाल टू सेल्स हो गया, क्योंकि गोपाल को हमने उधार पे बेचा 4000। तो नेक्स्ट एंट्री गोपाल रिलेटेड, हमने गोपाल से पैसे लिया अप्रैल 20 को, कैश अकाउंट डेबिटेड 3950, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 50, टू गोपाल 4000। तो अप्रैल 20 को गोपाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय कैश अकाउंट 3950, सेम डेट में बाय डिस्काउंट अकाउंट 50, टोटल कर दो गोपाल अकाउंट को 4000 बैलेंस हो रहा है, गोपाल अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में नील आएगा, लिख देंगे गोपाल डैश डैश। तो गोपाल का अकाउंट फोर्थ ऑर्डर में था, फिफ्थ अकाउंट है आपकी सेल्स अकाउंट का लेजर फॉर्मेट बन गया। तो सेल्स का सबसे पहला एंट्री है अप्रैल 4 सोल्ड टू गोपाल, गोपाल टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में होगा बाय गोपाल अप्रैल 4 में 4000, दैट इज गोपाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 4000 अप्रैल 4। क्रेडिट साइड का टोटलिंग आएगा 4000, डेबिट साइड का टोटलिंग आएगा सेम 4000, उसको उतारेंगे और टू बैलेंस कैरेट डाउन, डेबिट साइड में आएगा अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरेट डाउन 4000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 4000। और May 1 को ये एक लायबिलिटी बैलेंस है, क्योंकि सेल लेके रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा इनकम होता है और इनकम हमारा लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन May 1, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे। देन सेल्स अकाउंट का लेजर हो जाने के बाद नेक्स्ट लेजर बनेगा आपके राम, राम का सबसे पहला जर्नल एंट्री है अप्रैल 10 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम। तो राम लेजर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट 8000 ऑन अप्रैल 10। राम का दूसरा अकाउंट, दूसरा ट्रांजैक्शन है इज ऑन अप्रैल 27 पे टू राम, राम अकाउंट डेबिटेड 8000 टू कैश, डेबिट साइड में लिखो अप्रैल 27 टू कैश अकाउंट 7700, सेम डेट में लिखो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, अगर हम इसको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख देते तो ये और कहीं आता नहीं है, क्योंकि इसका स्पेस डिस्काउंट, हम डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे
या तो खाली डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट सीधा हमारा कमाई है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट 300। अभी राम का दोनों साइड देखो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये दोनों टैली कर रहा है 8,000। तो इसको टोटल कर दो, ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे राम अकाउंट या खाली राम, और डेबिट क्रेडिट कॉलम में 0 और 0। नेक्स्ट वन इज राम के बाद दूसरा बन रहा है हमारा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट हमारा एक रेवेन्यू अकाउंट है, एक एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड दो अकाउंट बनाएंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस के आंसर में डिफरेंस आएगा। डिस्काउंट अकाउंट हम बनाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट में हम क्या करेंगे ना, मैंने डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड दो न बना के मैंने एक ही अकाउंट बना लिया। आप एक ही बनाओ, नहीं तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड दो बनाओ। पहला ट्रांजैक्शन है इसका अप्रैल 20 को, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल। तो डिस्काउंट अकाउंट में अप्रैल 20 तारीख को लिखो टू गोपाल 50, और बाय साइड में क्रेडिट साइड में लिखो बाय राम अप्रैल 27 को 300। अब इसको बैलेंस करो, क्रेडिट साइड बड़ा है तो 300 लिखो टोटल में, इसको डेबिट साइड में उतारो, ऐसे उतारो, पहले वहां से लिखो, इसको यहाँ पे दोबारा लिखो पैरेलल लाइन में, फिर 50 माइनस करके लिखो 250, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये हमारा टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, मे वन को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 250। ये हमारा 300 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड है, 50 रुपये डिस्काउंट अलाउड है, तो फाइनली हमारा डिस्काउंट माने डिस्काउंट रिसीव्ड है 250 रुपये हमें फायदा हुआ है, इनकम हुआ है, तो ये क्रेडिट कॉलम में आएगा। डिस्काउंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, हम डिस्काउंट अकाउंट 250 लिखेंगे। और हमें से याद करो, अगर हम डिस्काउंट अलाउड का एक कॉलम एक लेजर और डिस्काउंट रिसीव्ड का दूसरा लेजर बनाते तो हमारा आंसर बुक के हिसाब से करेक्ट होता 1,04,300। बट फिलहाल हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का दो अकाउंट नहीं बनाए, उसके बदले में एक ही अकाउंट बना लिया, हमारा 50 रुपये दोनों साइड से कट जाएंगे, 250 रुपये बैलेंस आएगा, और ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा 3,04,250। वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आप डिस्काउंट अलाउड के लिए एक अकाउंट बनाओ और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए और एक बनाओ, तो आपका एक ही अकाउंट बन जाएगा, एंड दिस इज डन। देन मैंने एक बनाया और एक ही में निपटा दिया, बट आप दो बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, नोट लिख देना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये क्रेडिट है, मतलब हमारा डिस्काउंट हेड से फाइनली इनकम ही हो गया। नेक्स्ट लेजर है आपके वेजेस अकाउंट, हमारा डेट देखो वेजेस टू कैश, और वो भी अप्रैल 25 को। तो वेजेस अकाउंट में डेबिट कॉलम में लिखो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट अप्रैल 25 टू कैश अकाउंट 700, और कुछ है नहीं। डेबिट साइड टोटल करो 700, क्रेडिट साइड में उतारो, और डिफरेंस लिखो अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 700, और इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में मे वन में लिखो 700 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट वन इज योर सैलरी रेंट अकाउंट, रेंट के एक्सपेंडिचर अकाउंट, और डेट देखो अप्रैल 30, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट का डेबिट साइड में लिखो अप्रैल 30 तारीख टू कैश अकाउंट 1500, और कोई एंट्री नहीं है, डेबिट साइड टोटल करो 1500, क्रेडिट साइड में ले जाओ, और क्रेडिट साइड में लिखो अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1500, और इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्सपेंडिचर इज ए डेबिट बैलेंस, मे वन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 लिखो। नेक्स्ट वन इज ट्रेड एक्सपेंसेस, पेड ट्रेडर एक्सपेंसेस ऑन अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट 2000, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2000। देन हम क्या करेंगे ना, ये जो हमने जो ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया वो अप्रैल 15 को था, तो हम ये अकाउंट पहले बना देते, ये अकाउंट मेरा स्किप हो गया था, आप स्किप नहीं करना, अब राम के अकाउंट के बाद बनाना ताकि बेटर रहेगा। तो टू कैश अकाउंट 2000, डेबिट साइड टोटल किया, क्रेडिट साइड में उतारा, डिफरेंस अप्रैल 30 में लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2000, और मे वन को डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मे वन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। देन
ट्रेड एक्सपेंसेस में, देन ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन आज एट 30 अप्रैल 2018। सीरियल इसका 5 कॉलम बनाओ, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट रूपी फॉर आडियन एंड क्रेडिट रूपी फॉर आडियन, और सारे अकाउंट का बैलेंस लिख दो, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखा है उसे लिखो। पहले क्रेडिट में 1 लाख, दूसरा कैश अकाउंट डेबिट में 87050, तीसरा परचेज अकाउंट डेबिट में 13000, चौथा गोपाल अकाउंट बैलेंस्ड, पांचवा सेल्स अकाउंट क्रेडिट में 4000, राम अकाउंट बैलेंस्ड, सात डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में 250 क्योंकि डिस्काउंट मिला है, अगर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड 2 होता तो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट में 50 लिखते और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट में 250 लिखते, तो उसके केस में बुक का आंसर टैली होता। बट ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी गेटिंग 100 मार्क्स। आठवां में वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट एक एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट 700। नाइन में रेंट अकाउंट, रेंट एक खर्चा है, खर्चा आपके डेबिट बैलेंस ही यहाँ पे दे रखा है हमारा लेजर में, तो डेबिट में लिखो। देन ट्रेड एक्सपेंसेस 2000, वो भी डेबिट बैलेंस है, अभी दोनों टोटल कर दो, दैट इज 2,04,250, बट बुक में 300 है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर 100% करेक्ट। हम अगर दो लेजर बना देंगे, डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट अलाउड, तो बुक का आंसर आ जाएगा। अभी दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आराम से खुशी खुशी पढ़ते रहिए। बार बार क्वेश्चन पढ़िए और बार बार वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एंड जय हिंद।